इसके कान में लगी हुई है ना काफी, और इसको काफी मैग्नेट्स पड़ गई हैं इसको, इसकी हालत काफी क्रिटिकल है। तो आपने कोई दवाई वगैरह लगाने की कोशिश करी? लिपिटेडिन लगाने की कोशिश की थी, थोड़ी भाग जा रही थी, बट आज हमने पकड़ ली थी ये। तो इसे कुछ खिलाया पिलाया हमने सुबह? खाना खिलाया, पानी पिलाया, इसके स्पेशल बर्तन रखा था हमने इसमें। चलो बेटा चलो, शांत है बिल्कुल, है ना? बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं बोलती। खेत वगैरह में गई होगी, इतने गंदे तरीके से मारा, पहले आधा सिंक तोड़ा था, अब इतने गंदे तरीके से मारा कि अंदर से मतलब पता नहीं कितना घाव, मैगेट्स पड़ गए हैं, इतना जख्म है। और बेचारी बड़े दिन से घूम रही थी, कल एक दो लोगों को इकट्ठा करके मुझे मिल गई, और मैंने इसको बड़े मुश्किल से यहाँ पे, जो हमारे खेत है यहाँ पे, इसको पकड़ा है। तो बाकी मैंने इसको रात को खाना पानी सब कुछ यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड का पाउडर वो मुझे पीपल फार्म के द्वारा ही मिला था, स्प्रे वगैरह हर्बल स्प्रे जो आप प्रोवाइड करते हो वो किया। बाकी पूरी रात देखती रही इसको, मॉर्निंग से वेट कर रही थी आप लोगों का। कुछ चीज़ें रेस्क्यूअर्स के पास हमेशा होनी चाहिए, जिसमें से एक तो है डीमैक स्प्रे। आपको कोई भी ताज़ा घाव दिखा है उस पर आप लगा दीजिए, उस पर मक्खियाँ नहीं बैठेंगी, मैगेट्स नहीं पड़ेंगे। फिर आपको कोई घाव दिखता है जिसमें मैगेट्स पड़ गए हैं, तो देखिए नेप्थलीन वॉल, पेट्रोल, डिटॉल, ये सब आपको कभी नहीं डालना, इससे जानवर को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। आपको अपने पास रखनी है मेगासाइट, और उसकी कुछ बूंदें डालने पे जो है वो मैगेट्स मर जाएंगे। फिर घाव जो है थोड़ा पुराना है तो उस पर आप बीटाडीन ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, जिससे हीलिंग में मदद मिलती है। इसके अलावा आप अपने पास कुछ पेन किलर्स रख सकते हैं, उसकी डोजेज जो है वो आपको वेट ही बताएगा। पपीज़ के लिए मेलोनिक्स की ड्रॉप्स आती हैं, एंड जो बड़े कुत्ते हैं उनके लिए मेलोनिक्स की टैबलेट्स आती है। गाय के लिए बड़े बोलस आते हैं, पर अगेन बछड़े को कितना देना है, एक बड़ी गाय को कितना देना है, ये कोई वेट ही आपको बता पाएगा। पहले दूध के लिए रखी थी, जैसे तनकरा हुए तो छोड़ दी बंदों ने। अरे यार मत मारो ना, कि बेचारे को इतना कष्ट दे रहे हो जानवर को। और वैसे बोलते हैं गाय हमारी माता है, माता है, माता करते हो, और अच्छे से ट्रीटमेंट करके ही रिलीज करेंगे। पूरा ट्रस्ट है, आज 3 साल हो गए मुझे पीपल फार्म के साथ। मैं तो इससे मिला ही नहीं, ये कौन है? वही मदर वजाइना वाले पोर्शन में मांगे थे उनका। अच्छा वो यहाँ ले आए थे? हाँ, राइट, मैं इसे सिर्फ वीडियो में ही मिला हूँ ना मैं तो। इसका नाम लेट्सी मैम लोग बोलते हैं अभी। ये वो राधा रख दें? राधा, राधा, मैं भी राधा ही सोच रही थी। राधा? हाँ राधा, ये 5 बच्चों की माँ ना। राधा के तो बच्चे नहीं थे? नहीं, राधा दीदी के ऊपर राधा कह रहा हूँ। नहीं राधा रख लेते, मेरे को भी राधा। ओ रे मिट्टू की सिस्टर लगते है। किसकी सिस्टर लग रही है? मिट्टू की, जैसे मिट्टू का एक सींग नहीं है वैसे इसका नहीं। सर मांगे तो जो लोग डेंटिस्ट पे आते हैं सारे रिश्तेदार लगते होंगे, तो मैं सभी का एक आधे का दांत गया रहता है। मैगे, ओ बहुत गंदा है। अब ये मैगेट इसके मतलब सर के करीब है ना इतना। एक बार हमने ऐसे ही किया था, वो वुंड साफ करते करते हमने देखा था कि दिमाग तक पूरा, तुम थे ना, तो अभी तो हम देखेंगे साफ करके पता लगेगा। यार ये पता है, ये मुझे लगता है ये मारेगा किसी को, या तो इसके साथ कोई बड़ा सा साइन हो, क्योंकि मेरे को ये 2-3 बारी में बचा हूँ इससे। मैं इनको कॉर्नर में टाइट रस्सी बंद करने बोल दूंगी ना। हाँ यार ये यहाँ पे कॉर्नर ना, वो फेस भी उधर ही रहे। ये ले खा ले, पर तू रोटी खा ले भाई, तू सारी खा ले। इसका नाम हम बबलू रखे हैं। जोगी को छोड़ने रिलीज करने के लिए बोलने आई थी, ताकि क्योंकि देखिए यहाँ पे ना हमारे, हम उसको एस कैनल में रख रहे थे, लेकिन अब डॉग्स भी इतने आ गए हैं कि एस कैनल में मेरे पास प्रॉपर जगह नहीं है उसके लिए। पर हमें उसको रखना ही क्यों है, वो ठीक है? हाँ, ठीक हो गया है पूरा, उसका एक शॉट बचा था, लेकिन हम उसके लिए वेट कर रहे थे, बट मुझे तो गगल जाके हम लगा देंगे उसको, उसको रिलीज। देखिए एनिमल परफेक्टली फाइन तो नहीं है, लेकिन एनीमिया है ही उसमें, लेकिन जो कि हर लगभग श्रेय एनिमल में हमें मिलेगा ही ना। मतलब उसका क्या कर सकते हैं, उसको आप हट्टा कट्टा भी करके छोड़ोगे तो सड़क पे तो उसने वही प्लास्टिक खाना, प्लास्टिक से खून तो बनता नहीं। जो इंजरीज थी जिसमें मैगेट वुंड होने का डर था, वो हमने मतलब वो हील हो चुकी है लगभग। पैर 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 पैर। बाय जोक्स।
बेल बॉटम के बारे में बताना था आपको। मैं सोच रही हूँ कि उसको सर्जरी के लिए तो मैं अभी क्या ही भेजूँ उसको, क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ रखूँगी तो मेरे लिए नाइन डेज टेम्पर आइसोलेशन मैनेज करना टू डिफिकल्ट है। मैं सोच रही हूँ मैं डॉक्टर जिनके घर में ये रहता है बाहर, वहाँ पे उनको बता देती हूँ सारी सिचुएशन, उनको बोल देती हूँ कि ये डॉक्टर से बात कर ले पालनपुर में, हम भी कोऑर्डिनेट करने को तैयार हैं, बट मैं एनिमल को यहाँ नहीं रखना चाहती। नहीं ठीक है, मेरे को उसका खतरा ही लग रहा है ना, उसको भेजो। तेरे को अगर तोड़ देगा क्या तू उसे सरिया को? उठा के ले आओगे? लेकिन तुम फिर किसी डॉग को टच नहीं करोगे? मैं वैसे भी नहीं करता। बी केयरफुल, डॉग छूटा तो तुम गए यहाँ से। नहीं लीश नहीं है। हाय। गोली में उठा के लाना है? हाँ तो मैं इसलिए तो बोल रही थी केज में वहीं से डालो। चलो इसको कितना दिन हो गया हमारे साथ काम करते, सबसे ज्यादा आज मुझे यही एक आदमी रहता है। बस कुछ 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 चल 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 तेरे घर छोड़ जा रहे थे। और बिल्कुल नीचे नहीं रखना ना केज से, इतना ऊपर रखना। आज कैमरा छोड़ के केज पकड़े है। हां मैं अक्सर पकड़ता हूं वैसे तो। स्क्रब करना है हाथ अच्छे से ना, साबुन से भी अभी ना। संजय भैया ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपने यहां गाड़ी छोड़ रखी है ऑन। गाड़ी ये अंकु आ जा कर ले बात। सर मैं चिटकी से कंपटीशन क्यों करी है? जो फ्रैक्चर था वो जो इसका एक हिस्सा था वो लेग के थोड़ा बाहर आ रहा, क्योंकि वहाँ पे वो स्वेलिंग क्रिएट कर रहा था, तो अगर वो फट जाता वो स्वेलिंग फ्रैक्चर हो जाती, रप्चर हो जाती, तो उससे ओपन फ्रैक्चर बन जाता। उसकी मिसअलाइनमेंट पहले से थी लेग की, क्योंकि वो पुराना फ्रैक्चर था, तो कोल्ड कंप्रेशन दे रहे हैं इसको। बस बेसिकली स्वेलिंग को कम करने के लिए होता है ये, क्योंकि सर्जरी के बाद ऑब्वियसली स्वेलिंग तो आएगी ही। कोल्ड कंप्रेशन के लिए हम आइस पैक्स लेंगे, उसको एक टॉवल या किसी क्लॉथ में रैप करेंगे और उसको हम अफेक्टेड पार्ट पे रखेंगे 5 मिनट्स के लिए। शूट नहीं कर रहे थे हम, तुम्हें लेके नहीं जा रहे। अच्छा जा कहाँ रहे हो वैसे? हम इंस्टाग्राम हम जा रहे हैं स्ट्रीट इंटरव्यू शूट करने। मुझे पता है कुत्ता मुझे काटेगा, मैं उस पे और पानी भी नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरे अगेंस्ट कोई केस कर देगा तो मैं केस करता रहूंगा। ये सेम हमारी दुकान पे होती है कहानी, हमारे शर्मा अंकल के अगेंस्ट हो रहा है। अच्छा यार गाड़ी में बैठा था, उन्होंने पानी डाल के भगा दिया, तो कुत्ते वाली आंटी जो है। अरे हमारे यहां पे तो है, हमारे यहां पे ऐसे ही हो रहा है। इतने बेहुदा शॉप के बाहर कुत्ता बैठा रहता है, हम उसे रोज दूध पिलाते हैं, जो आता है शॉप पे वो बिस्किट डालता है, बट वो आते जाते बच्चों को, जो बच्चे आ रहे हैं ना, कितने बच्चों को ना, 3-4 बच्चों काट चुका है, काट रहा है, फिर भी आप उसको डंडा नहीं मार सकते। आपकी तो छुट्टी हो रही है पूरी आज, कुछ पार्टिंग वर्ड्स, लास्ट पर्ल्स ऑफ विजडम, कोई एडवाइस? अच्छा आप अपना जो आपका नेटिव लैंग्वेज है उसमें बाय तो कह दो हमारी ऑडियंस को, फिर इसके बाद आप पता नहीं कब आएंगे। ये नेटिव लैंग्वेज थोड़ी ना आपकी, अपनी हिंदुस्तानी जो भाषा है आपकी। कम ऑन, what do you speak? Like you speak some South Indian language? But not well. Not well. कौन सा? Koratak. Koratak. But very very little. I don't. तो बाय तो आता होगा कोरतक में आपको? No no. आप कह रहे हो आप इतने बड़े सांडों का इलाज कर लेते हो, सारी टीम हैंडल कर सकते हो, आपसे कोरतक में बाय नहीं कहा जाता डॉक्टर अनिशा? Come on. Why like this? बहुत क्या? दोबारा आएंगे आप? Yeah. अच्छा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा, आज थोड़ा सैड बस, क्या make me cry. इस गाय से मिलना तो रूटीन सा हो गया है। अब की बार तो मैं रोटी लेके चला था, स्प्रे तो अब बैग में होता ही है, अब बारिश हो रही है ना, तो ये सारे इसमें छुपे हुए जो रेन शेल्टर बना रखे हैं सरकार ने लोगों के लिए। चलो गाय भी यूटिलाइज करिए, मैं दे रहा हूँ भाई तेरे को, दे रहा हूँ ये देखो, इसको देखो, इसके मुँह पे तक प्लास्टिक लगा हुआ है, अभी इसने प्लास्टिक खाया है, उसके स्प्रे लगा देते हैं। ओए, ओए, ओए। ये दो बच्चे इसी के साथ हो लिए हैं ना, और इसकी पूंछ काट दी है किसी ने। तू सही में इसके पट्टी कर रहे हैं? ये इसने उतार दी, करी थी हमने, उतार दी इसने। ये हीमाटोमा हो सकता है क्या पहले, है ना? हीमाटोमा बोले तो जब अंदर में कोई ब्लड वेसल, अगर क्योंकि डॉग्स कई बार क्या होता है किसी इन्फेक्शन की वजह से जब बार बार स्क्रैच करते हैं कान में, तो अगर अंदर के कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाए, है ना, तो वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, और फ्लूइड इकट्ठा होता है तो वहाँ पर वो सूजा हुआ दिखता है ना। मैं ताते में जीन दिया से ही छड़ती है।
ये जो गॉस पैड्स हम बनाते हैं वो गॉस थान के बड़े बड़े रोल्स के में से स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में कट किए हुए टुकड़े होते हैं, जिसके फोल्ड जिनके जो एंड है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं चारों साइड से। इसकी थिकनेस हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, सर्जरी के लिए हम अलग यूज़ करते हैं। वुंड मैनेजमेंट के लिए मोस्टली हम लोग ज़्यादा थिक फोल्ड्स प्रेफर करते हैं, ज़्यादा फोल्ड्स प्रेफर करते हैं ताकि उसको वुंड को पैडिंग अच्छी मिले, बेस अच्छा मिले और ऑइंटमेंट वहाँ पर लगी रहे अंदर। मेरा कल्लू कल्लू भैया डॉग बहुत शांत है ना, ना काटती है ना भोंकती है ना रोती है ना। हाँ जी, पूरी नवीन के ऊपर गई है। हाँ बिल्कुल शांत। तो सैलम ने इसको वो कॉलर क्यों नहीं लगा रखा कौन वाला, ताकि ये खोले ना। आज देखते हैं, आज खोलती है कल आप संपर्क करें हमसे। अगर आज भी खोल दे तो फिर इसको मुँह लगाएंगे। हाँ जैसे मोगली को लगा रखा है। हाँ जी। क्या पेन किलर दे रहे हैं? एंटीरेबीज। अच्छा, इसके एंटीरेबीज चल रहे हैं। डॉग वाइट है ना। इसके मैगेट दिमाग तो नहीं पूछता ना अंकित भाई? नहीं नहीं, यहाँ ही थे सिंह में। अब जैसे इसका सींग तोड़ा है तो हम उसको सही मतलब क्या करेंगे इसके में, इसको भी काटेंगे जो बचा, ये जो बचा इसको काट देंगे जब ही हो जाएगी। अब तो ये बहुत प्लेफुल हो गया है वो भी। हाँ बहुत ज़्यादा। कहाँ है मेरे पास नहीं। ये अदर्स डॉग के साथ भी ना फ्रेंडली है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग डॉग दिख जाए ना इसको कि स्ट्रॉन्ग है तो फिर हाँ उससे दुश्मनी इसकी हो जाती है, जैसे बेल बॉटम था। बाकी कोई दूसरे होते हैं तो ये नहीं भौंकता है इतना, जैसे मूली हो गई, हंसी हो गई, धनिया भिंडी हो गए, इनको ये बहुत अच्छे से देख के खुश होता है। बाइट वाइट भी नहीं करता, ये ऐसे भी अग्रेसिव नहीं है, ये देखो बिल्कुल बच्चा ही है। ओ, ये अनीशा, डॉक्टर अनीशा कल गई है ना, तो ये सबको कार्ड्स दे गई है, ये मीडिया टीम को दिया, इस पे बना एक बीटल, क्योंकि समहाउ वो कह रही कि उन्हें बीटल देख के हमारी याद आती है क्योंकि शायद हम हल्ला करते हैं और तंग करते हैं। ओके, टू द सोशल मीडिया टीम, दिन या रात के किसी भी समय आप वहाँ हैं, शूटिंग, रनिंग आफ्टर साहिल, रनिंग आफ्टर अ बुल इन द मोस्ट टेंडर मोमेंट्स। इस इम्पॉर्टेंट कहानी को दुनिया को बताने के लिए थैंक यू। आपके काम से जानवरों के साथ यूनिवर्सल कनेक्शन विकसित हो रहा है। ब्लेसिंग्स अनीशा। दैट्स रियली कमेंडेबल, स्वीट, थैंक्स अनीशा। अगर आप ब्लॉग देख रहे हो हमारा। इस जनाब को हमने रिलीज़ करा था और ये वहाँ जाके बैठ गया, ऐसा मेरे को सुनने में आया है ना। जोगी वापस क्यों आ तू? डॉक्टर गुलशन अच्छे हैं, चेकअप करने दो उन्हें। कल ना इसने ड्रामा किया है। रविंद्र भाई बता रहे, जब मैं गया था तो ये नाले के पास एकदम ऐसे पड़ा हुआ था ना, रविंद्र भाई ने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, यहाँ आने के बाद चलने लग गया। वैसे कोई सीरियस बात नहीं है ना सर इसकी, सीरियस बीमारी तो फिर अभी उसी के लिए ब्लड ले रहे हैं। हो गया बच्चा, ये पालतू है, ये वैसा का चंबी वाली जड़ी लगी है, इसको तो काफ़ी दिन हो गए अभी। हाँ जी विक्की, तुम ही तो गए थे इसको लेने। हाँ सर, ये आप गए थे ना, मेरा क्या तो रेगुलर बंदा समझ के मार रहा, जेल जाएगा मारे गए। बाकी ये इसलिए है, वो हमने मैंने डीसी साहब को बताया था ना कि वो दी थी एप्लीकेशन की स्पेक्ट पे आपके। अभी जैसे एक केस तो यहीं चंबी से ही आया था मोना, तो हम 9 साल से हैं यहाँ पे, 9 साल से केस आ रहे हैं, पर अभी क्या है हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मेरे ख्याल से 15 दिन में ही 7 केस आ गए और उसमें से 6 एक ही जगह से थे, ये कांगड़ा वीर वीरता से सबसे ज़्यादा केस आते हैं, शाहपुर से आए हैं और हमारा रजौल से भी आया है, लेकिन वीरता हाइएस्ट था उसमें ना। ये तो उसमें जरूरी थोड़ी नहीं पीगी फंसेगा, खून का फंसना भी तो गलत ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वही है वो तो वाइल्ड लाइफ की, और भी तो जानवर फंस सकता है, कोई सारे तो फंस सकते। आज खड़ी नहीं हो रही है, आज खड़ी नहीं हो रही, तो क्या लग रहा है अभी देखते हैं, ट्रीटमेंट में चेंज करके देखते हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो इसका जो वो प्लेसेंटा फंस गया था वो निकल गया बाहर, प्लेसेंटा तो इसका अभी अभी कल परसों भी निकला थोड़ा सा, तो जो इसके वजाइना वाले पोर्शन में स्वेलिंग थी वो होगी कम, वो कम होगी, तो चांसेस है सर इसके खड़े होने के काफ़ी कम है। तो हम कोशिश से भी कर रहे हैं मसाज से या उसको सप्लीमेंट से भी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मेरे लिए सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनलाइटमेंट था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर ढूंढ रही थी, मिले, मिल गए। आई एम गोइंग सेटिस्फाइड एंड हैप्पी टू कम बैक सून। बिल्कुल, जल्दी देखेंगे आपको ना दोबारा। थैंक यू, बाय, लवली मीटिंग एवरीवन। ओके।